नेता कभी जनता कभी राजा को भिखारी को डॉक्टर को रोगी को सूफी को शराबी को बड़े को भी छोटे को भी पतले को मोटे को हरे को छोटे को लंबे को नाटे को अरे क्या बात सतीश, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। नोट पे नोट, नोट पे नोट ही गिनता जा रहा है। दोस्त पहली तनख्वाह मिली आज। मैं सोच रहा हूँ माँ के लिए एक साड़ी और छोटे भाई के लिए एक शर्ट ले जाऊँ। पैसा इस तरह फिजूल बर्बाद ना करें, पैसे के सही इस्तेमाल के लिए संपर्क करें भट्टी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। लॉटरी, जुआ, चिट फंड और डूबते हुए शेयरों में पैसा लगाने के लिए मिलिए भट्टी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। भट्टी साहब, अब तो लोगों को धीरे धीरे समझ आ ही गई है कि घर में पैसा छिपा के रखने के कई नुकसान है। एक तो जी पैसे की कीमत कम होती रहती है, दूसरा चोर डाकू का खतरा, और तीसरा खतरा बीवी का। बीवी की नजर पैसे पर पड़ी नहीं, पैसा घर से गायब होकर साड़ियों सूटों की दुकानों पर पहुंचा नहीं। तो भट्टी साहब मैं मान गया हूं अपने दिमाग को, आप मेरी समझदारी देखिए। मैंने सारा पैसा बैंक में जमा करा रखा है, और बेवकूफी देखिए कि जो मेरा अकाउंट है वो मेरी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट है। मैं पैसा जमा कराता जाता हूँ, वो निकालती चली जाती है। अकाउंट तो मेरा भी जॉइंट है, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं होगा तो खतरा किस बात? नहीं नहीं, पैसे बहुत है मेरे अकाउंट में, लेकिन हमारे बैंक की सर्विस ही इतनी पुअर है, इतनी खराब है कि अपना ही पैसा निकलवाना हो तो वो ना करवा देते हैं। मैडम, यहाँ करंट अकाउंट में कोई नहीं बैठा? अगर बैठा होता तो दिखाई ना देता। नहीं, मेरा मतलब 10 बजे का टाइम है, 10:15 बज गए हैं। तो मैं क्या करूं, आ जाते हैं अभी। कब तक आ जाएगा? मुझे क्या पता, 3 बार तो आपने कैश बुलवा दिया, अब मुझे फिर से गिनना पड़ेगा। कैश मैं गिन देता हूँ, आप जरा उठकर इनका पता करवा दें। सरदार जी, आप जरा आराम से जाकर सोफे पर बैठिए, जब वो आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो साइन ही नहीं मिल रहे जी, आप दोबारा ट्राई करें अपने साइन। मेरे पेन में इंक बड़ी काम है और मैंने कई और जरूरी साइन करने हैं। लेकिन यहाँ भी तो साइन मिलने चाहिए ना महाराज। मेरा ड्राफ्ट बन गया मैडम जी। आपने ये तो बताया नहीं कि ड्राफ्ट की कमीशन अकाउंट में से काटनी है, क्या करना क्या है? ये तो मैडम आपको पहले पूछना चाहिए था, मेरा तो सारा दिन वेस्ट हो गया ना। मैं क्या करूं? क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा महाराज कि आपके ओरिजिनल साइन कैसे हैं जी? ये ओरिजिनल ही है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए महाराज कि जिस दिन आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए आए थे ना जी, उस दिन आपने कैसे साइन किए थे जी? उस दिन कैसे किए थे? याद आया, मैं अभी आया। यही हाल है, 2:05 में आप कैश जमा करवाने आते हैं और वो भी 5-5 के नोट लेके, गिनते गिनते मुझे आधा घंटा लग जाएगा। मैडम मैं क्या करूं जी, मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है। आप या तो फिर अपना बिजनेस बदल लीजिए या फिर ये बैंक।
कमाल हो गई महाराज, अब तो साइन मिल भी गए जी, अब कैसे मिल गए महाराज? अब मैंने दो पैग लगाए हुए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? जिस दिन मैंने खाता खुलाया था उस दिन भी मैंने दो पैग पिए हुए थे। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैनेजर, एक एक के जितने भी नोट हैं सब हमारे हवाले कर दो। मैं बाप, हमारे बैंक में जितने 50-50 के 100-100 के नोट है सब ले लीजिए, पर हमारी जान बख्श दीजिए। नहीं, हमें एक एक के ही नोट चाहिए। लेकिन आप एक एक के नोटों का क्या करेंगे मैं बाप? हमारे सरदार की बेटी की शादी है, 100-100 के नोट तो बहुत है, लेकिन शगन के लिए एक एक के नोट नहीं मिलते भाई साहब। मैं तो बैंक में कैशियर था, गबन के केस में अंदर हो गया, लेकिन तुम तो अच्छे भले चोर चक्के लगते हो, तुम जेल में कैसे आए? मुझे तो मेरे साथी बिल्ले ने मरवा दिया। बैंक लूटने का प्लान ही बड़ा घटिया था। अच्छा? हाँ, उसके प्लान के मुताबिक हमने चाकू दिखाकर गनमैन से उसकी बंदूक छीन ली। फिर? लेकिन जब हमने उस बंदूक से मैनेजर को डराया तो वो डरा नहीं, जब उसे मारना चाहा तो गोली नहीं चली। फिर क्या हुआ? इतने में गनमैन ने आके हमारी गर्दन दबोच ली और हंसकर बोला, ए बैंक के गनमैन की बंदूक है, मौके पर नहीं चलती। मैं कहता हूं जी, गनमैन की गन चले या ना चले, पर पैसा बैंकों में सेफ है। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि अगर सोच समझकर पैसा किसी और बिजनेस में लगाया जाए। हाँ हाँ, जैसे आप सोच समझ कर लगाते हो। बिल्कुल, मेरी तो वैसे भी बिजनेस सर्कल्स में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। पता है मुझे, रोज वहां लॉटरी बाजार में खड़े लॉटरियां डाल रहे हैं। वो मैं पहले डालता था, अब तो मेरी अपनी फैक्ट्री है एक। वो वर्कशॉप साहब, आज आपकी वर्कशॉप में हड़ताल है? ना ना, हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे तो आज तक कभी हड़ताल नहीं हुई। फिर आपका वर्कर कोई नहीं दिखाई दे रहा? वो तो हमारे यहाँ हर घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक होती है। वो किस लिए? वो तो हर घंटे के बाद किसी न किसी स्टेट लॉटरी का डेली ड्रॉ निकलता है, तो वर्कर्स ने रिजल्ट देखने जाना होता है। आपके वर्कर्स सारा दिन लॉटरियां डालते रहते हैं, आपका कारोबार घाटे में नहीं जाता? ऐसे ही है जी, कहीं घाटा हो जाता है कहीं फायदा हो जाता। फायदा भी? जहां वो लॉटरियां डालते हैं वो स्टॉल भी तो मेरे ही हैं। लुट गए लॉटरी में हम, खा गया है चौके पंजे छिक्के का गम, आगे आगे पैसा पीछे पीछे मैं दौड़ूं, दो से चार का चक्कर ये मैं कैसे छोड़ूं। लुट गए लॉटरी में हम, लुट गए लॉटरी में हम। लॉटरी एजेंटों बन बैठे सारे साहूकार, उनकी क्या किस्मत गई है जाग, बीवी मेरी छोड़ गई मैं हुआ बेकार, घर के चूल्हे की बुझ गई आग, किस लॉटरी के काउंटर पे जा अपना सर फोड़ूं, दो से चार का चक्कर ये मैं कैसे छोड़ूं। लुट गए लॉटरी में हम, लॉटरी में हम। अनु, तुझे पता है मिस्टर मल्होत्रा के जो नए किराएदार है ना, मिस्टर चावला? हाँ। उन्होंने एक स्कीम शुरू की है। कैसी स्कीम? अगर तुझे मिक्सी, टोस्टर, गैस सिलेंडर या टिफिन कोई भी चीज चाहिए ना, तो बस तू आधे पैसे जमा कर दे, फिर क्या, बस एक हफ्ते में चीज ले जाओ और बाकी पैसे माफ। अच्छा, सिर्फ 50% में सब कुछ मिलेगा? सविता प्लीज मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिलवा दो। लेकिन अगर वो पैसे लेकर भाग गया तो? मिसेस कश्यप और मिसेस गुप्ता को तो डिनर सेट मिल भी गया है। अच्छा, इसका मतलब मिस्टर चावला जेन्युइन आदमी है। हमारा काम बहुत जेन्युइन है जी, हम आपसे जो पैसा लेते हैं ना जी, उस पैसे को अफ्रीका के जंगलों में हाथी दांत के बिजनेस में लगाते हैं जी, इससे हमें लाखों करोड़ों का फायदा होता है जी। उस फायदे से अगर हम आपको मिक्सी विस्की कुकर वुकर सस्ते में दे देते हैं, हमें फिर भी फायदा है जी। सर सर, पिछले हफ्ते जिन लोगों ने टेप रिकॉर्डर बुक करवाए थे वो आ गए हैं जी। उन्हें फोन कर दो। अच्छा जी। क्या? या, मेरा टेप रिकॉर्डर आ गया। तुम्हें पता है
अनु का टेप रिकॉर्डर आ गया है। अच्छा, फिर तो हमें भी कुछ ना कुछ बुक करवाना चाहिए। मिस्टर चावला, अगर आप हमें एक एसी दिलवा देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। एसी हमारी नई स्कीम के अंदर आता है जी, आज शुरू हुई है। एसी, फ्रिज, स्कूटर, माइक्रो ओवन सब मिल जाएगा जी, लेकिन एक महीने के बाद। कोई बात नहीं, हम एक महीने बाद पता कर लेंगे। वैसे एक माइक्रो ओवन तो मुझे भी चाहिए था। चलो सब, अगर मैं शाम को पैसे जमा करूं तो चलेगा ना? मैंने भी माइक्रो ओवन के लिए 10,000 जमा करवाया है। मैं भी सोच रही हूँ नया फ्रिज ले ही लूं। जल्दी ले लो, ऐसी अच्छी स्कीम्स कई बार जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। ये खबर पढ़ी है ना, वो चावला था जो गोल्डन स्कीम वाला, हाँ। वो लोगों का लाखों रुपए लेके भाग गया। तो शाम तक तो चावला यही था, मुझे उसने माइक्रो ओवन की फोटो भी दिखाई थी। पिताजी, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी स्कीम में पैसे मत लगाया कर। भाई साहब, एक थप्पड़ मेरे भी लगा दो, मेरी अकल कहाँ घास चढ़ने गई थी। मैंने इस फ्रॉड स्कीम में पैसे क्यों लगाए? लोग तो मूर्ख हैं, लेकिन तेरी अकल कहाँ चली गई थी? तुझे तो सब कुछ पता था। इसे सब कुछ पता था? 2 साल पहले बनारस में हम भी तो यही काम करते थे। मनी मैटर्स क्विज। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। यार तुम फिर शुरू हो गए, क्विज में गाने का क्या काम? ठीक है जी, नहीं गाते, पर आप ये बताओ कितने पैसे दोगे? किस चीज के? हो चुप रहने के, और किस चीज के? कमाल का जमाना आ गया, किसी ने गाना गवाना हो तब भी पैसे दे, किसी को चुप करवाना हो तब भी पैसे दे। जनाब, सारी क्विज का ले दे के आप 200 रुपया देते हैं और 250 बार सुनाते हैं। खैर, मनी मैटर्स क्विज का पहला सवाल बेवकूफों के हिस्से। बेवकूफ बताएंगे कि आज की डेट में अगर किसी अकलमंद इन्वेस्टर ने अपना 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना हो तो वो किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? ये तो सवाल ही गलत है। क्यों? जो 1 करोड़ रुपया अपना ही इन्वेस्ट कर दे वो अकलमंद कैसे होएगा? जवाब दुरुस्त। क्योंकि आजकल के जमाने में अकलमंद इन्वेस्टर वही है जो पैसा दूसरों का इन्वेस्ट करवाए, बिजनेस अपना चलाए। तो अब सवाल नंबर 2 है अकलमंदों के लिए, यानी कि समझदारों के लिए। सवाल है, बैंक में पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा कब और कैसे? अगर बैंक में 10 तारीख से पहले पैसे जमा करवा दें तो बड़ा फायदा है, पूरे महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये कोई खास फायदा नहीं है। बेवकूफ बताएंगे कि बैंक में पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बैंक में पैसा रखने का फायदा बैंकिंग आवर्स के बाद या छुट्टी के दिन ही है। वो कैसे? कोई उधार मांगने आए ना तो आदमी कह सकता है सॉरी पैसे तो बैंक में है। जवाब दुरुस्त। बारी फिर एक बार बेवकूफों की, एक सुनहरी मौका बेवकूफी का प्रमाण देने का। सवाल यह है कि गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट बिजनेस में क्या फर्क है? सर जी, प्राइवेट बिजनेस में रिश्वत देने से पैसा डबल होता है और गवर्नमेंट सर्विस में रिश्वत लेने से पैसा डबल होता है। जवाब ठीक है। और आखिरी सवाल अब समझदारों के हिस्से। अगर आपकी 1 लाख की लॉटरी निकला है तो क्या करेंगे? टैक्स कटवा के बाकी पैसा बैंक में जमा करा देंगे। सो सिंपल। उल्टी आ रही है ऐसा जवाब सुन के। हाँ, बेवकूफों की क्या राय है? जनाब, अगर एक बार हमारी 1 लाख की लॉटरी निकलाई तो 200 रुपए के पीछे आपकी क्विज में हिस्सा लेने कभी नहीं आएंगे। करा गोलगप्पे, आई जा भाई साहब, आई जा मसूर पापड़ी खा ले भांजी, आई जा पानी पूरी भेल पूरी चाट पापड़ी। ये ज्यादा फालतू बात नहीं ना करना का, भांजी के लिए पापड़ी बनाओ, क्या कर रहा हो? बना रहे हैं भैया, बना रहे हैं। तो जल्दी करा भांजी, मिर्ची तेज या कम? तेरे तो पता है मैं बड़ी तेज मिर्च खाती, कभी कम खाई है मैंने? दो गोलगप्पे, करा रहे गोलगप्पे, पापड़ी, आई जा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम कप लेट। आइए साहब, कैसे हैं भाई साहब? बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। हाँ भाई, लो। अच्छा बनाए भाई, बना रहे। भट्टी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बांड के 1000-1000 शेयर खरीद लूँ।
यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। ये थोड़ा है कि हर एरा गरा गोलगप्पे वाला पब्लिक इशू निकाल दे। तो क्या है, ये चाहे तो सुबह पब्लिक लिमिटेड बनाकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें। क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हमका भी कोई ऐसा तरीका बताई दो ना कि हमार बिजनेस भी एक्सपैंड हो जाए। किसी दिन दफ्तर में मिल लेना इनसे, ये भट्टी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब समझा देंगे। अरे किसी दिन का बाबूजी, हम कल ही आ जाता है। और आप हमका समझाई दो कि पब्लिक इशू का है और ससुरा शेयर का है। शेयर का मतलब है लोग तुम्हारे काम में पैसा लगाकर हिस्सेदार बन जाते हैं, अब उनका पैसा तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो। मगर भैया गोलगप्पन के बिजनेस में कौन पैसा लगाई? मैं गोलगप्पों के बिजनेस की ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री यूनिट है। और कंपनी का नाम रखेंगे पीपी वाटर बॉल्स। ये कोई इंग्लिश कंपनी है का? का मालूम भैया? हाँ। भाई पीपी का मतलब है प्रेम प्रकाश, वाटर बॉल का मतलब है गोलगप्पे। अरे वाह भैया, ये तो हमार कंपनी का ही अंग्रेजी नाम हुई गला, पीपी वाटर बलवा। सेबी और आरओसी से परमिशन लेना मेरा काम है, फॉर्म छुपवाना मेरा काम है, शेयर निकलवाना मेरा काम है। अरे ये सब ही तुहार काम है, तो हमार का काम है रे भैया। आपका काम है 10-15 लाख का इंतजाम करना, इन कामों का खर्चा। 10-15 लाख का खर्चा? भाई फिर 1 करोड़ भी तो आप ही के पास आएंगे। प्रकाश एक काम हो सकता है। का? वो जो हमार चाचा है ना लंदन में, लाल सिंह, वो जो साउथ हाल लंदन में चाट पापड़ी बेचते हैं। हाँ, उसे 10-15 लाख मंगा ही सकता है, क्योंकि उसका बहुत देर हो गई है लंदन में भाई। अरे यार उसे पार्टनर क्यों नहीं बनाते, आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगी। कह रहे हो भैया लाल सिंह से कोलैबोरेशन? अरे लाल सिंह नहीं, रेड लॉयन, रेड लाइन ऑफ लंदन से कोलैबोरेशन, 80% एक्सपोर्ट यूनिट, आपके शेयर्स तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक फॉर्म पीपी वाटर बॉस को देना भैया। पीपी वाटर बॉस का फॉर्म मुझे भी देना। एक फॉर्म मुझे भी देना। अरे यार मुझे तो बताओ कि किस शेयर में पैसा लगाऊं। भैया मैं तो उसी शेयर में पैसा लगाता हूँ जिसमें प्रसाद बताता है, प्रसाद से पूछ। क्यों भाई? देखो जी, पीपी वाटर बॉस 80% एक्सपोर्ट यूनिट है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, राइट प्रोस्पेक्ट्स है। ये वाटर बॉल क्या चीज है यार? यार कुछ भी हो तू अप्लाई कर दे, प्रसाद का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हो मुबारक हो प्रेम प्रकाश जी, ही आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, सारे शेयर धड़ाधड़ बिक गए। कहाँ कहाँ रहे हो भट्टी साहब, ना तो हमारे पास जमीन है, ना मशीनरी, ना पानी है, ना बिजली, और लोग हैं कि धड़ाधड़ पैसा फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे अपने बॉम्बे ब्रोकर से बात कर लेने दो। हाँ करा करा जल्दी करा। हाँ हेलो बिहारी। हाँ मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे दिल्ली मद्रास से अपने ही शेयर खरीद लो भाई। क्या कह रहे हैं, अपना शेयर खुद ही खरीद ले का? भाई हम अपना शेयर खरीदेंगे, उसे देखकर लोग भी हमारा शेयर खरीदेंगे, देखा देखी भाव बढ़ेगा। हाँ बिहारी अपना शेयर अखबारों में जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ खर्चा ही करना पड़ जाए। मैंने कहा था ना पीपी वाटर बॉल्स बढ़ेगा, पीपी 22 का हो गया। 10 रुपए का शेयर 22 रुपए में? यार बेच दे। अभी नहीं, अभी और देखो। यार प्रसाद कह रहा है तो इसकी बात मान ले। बिहारी कुछ लॉट और खरीदो यार, शेयर को उठने दो। पीपी वाटर वाल्व का रेट पता क्या है? 45 रुपए। यार मैंने गलती की, मैं प्रसाद की बात मान जाता तो अच्छा था। अभी भी प्रीमियम पर खरीद लो, प्रसाद के हिसाब से ये शेयर और बढ़ेगा। बॉम्बे दिल्ली मद्रास जहाँ से भी कोई शेयर मिलता है उठा लो बिहारी। प्रसाद सब मान गए आपको, क्या शेयर बताया था, दिनों दिनों में 90 से ऊपर का हो गया। रेड लाइन ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेशन है, ये तो 100 से भी ऊपर जाएगा। भट्टी साहब हर दफ्तर गली गली में हमारे शेयर की चर्चा हो रही है। 100 रुपए में भी लोगों को नहीं मिल रहा। अभी मिलना कहाँ से है, सारे के सारे शेयर है ही अपने पास। और अब वक्त आ गया, हमें सारे के सारे शेयर बेचकर 8-10 गुना पैसा अंदर करना चाहिए। क्या स्कीम है गुरु, लगा बिहारी ब्रोकर को फरमा। पीपी वाटर बॉल्स गिरना शुरू हो गया है, बेच ना दे। मैंने तो पहले ही प्रीमियम पे खरीदे हैं, मुझे तो बेचकर घाटा हो जाएगा। चल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शेयर चढ़ी जाए। भट्टी साहब आपको हमारे जैसा ब्रोकर नहीं मिलेगा, अरे आपका फोन आते ही 2 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर निकलवा दिए। वेरी गुड बिहारी, वेरी गुड। अब रेट चाहे 30 हो या 3, हमें क्या,
हमारे पैसे तो पूरे हैं। अरे मरवा दिया यार, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में भी नहीं बिक रहा। प्रसाद साहब, आप तो कह रहे थे कि पीपी वाटर बॉल्स इंग्लिश कंपनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन है। मुझे भी आज ही पता चला कि पीपी वाटर बॉल्स गोलगप्पे बनाने वाला कोई प्रेम प्रकाश है। प्रेम पब्लिक की है कंपनी, पब्लिक का है पैसा, पब्लिक के पैसे का मालिक है ऐसा। गाड़ी बंगला विस्की शिस्की दाल और आटा, सैर सपाटा पब्लिक खाता, सबका सब पब्लिक खाता। महंगे जूते घर के कुत्ते, राशन पानी सारा खर्चा पब्लिक खाता, सबका सब पब्लिक खाता। शेरों की कीमत बढ़ जाए, बढ़ के चाहे वो फिर गिर जाए। बूम सलम्प या बुलबियर, मेरी जेब से कुछ ना जाता। पब्लिक की है कंपनी, पब्लिक का है पैसा, पब्लिक के पैसे का मालिक है ऐसा, मालिक है ऐसा। We'll be right back.